अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मुबशरा लुकमान और आप देख रहे हैं लाइव विद मुबशरा लुकमान। तो नाजरीन, आप सभी की ख्वाहिश के मुताबिक आज मैंने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है गली का सबसे शरारती बच्चा और एक नामवर क्रिकेटर। तो चलिए जी, उनका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आंटी, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप अपना बताएं। अच्छा जी, तो आप मुझे एक बात बताएं कि जो मोहल्ले की लेडीज रास्ते में से गुजर रही होती हैं, आप उनको तो जाने का रास्ता दिया करें, 2 सेकंड की तो बात होती है। मोहल्ले की आंटी होती है वो दूसरी गली से चले जाए, हम इतने मसरूफ होते क्रिकेट में, ऐसा इंच में से भी चला गया हमारी विकेट लग जाएगी, हम आउट हो जाएंगे। तो नाजरीन, हम इनसे एक ये अहम सवाल करते हैं कि जो आप मोहल्ले में इतनी बड़ी बड़ी शॉट्स मारते हैं, उनकी वजह से लोगों की खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं, इससे कई लोगों का कितना नुकसान होता है, तो इसकी क्या भरपाई है? आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप आराम से नहीं खेल सकते? गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई ग्राउंड तो बनाया है नहीं, हम शॉट मारेंगे खिड़कियां टूट जाएंगी, और बाबा भी हमसे निकलना है, रिजवान भी हमसे निकलना है, शॉट मारना तो जरूरी हो गया। देखिए नाजरीन, आपने भी इस बच्चे का सवाल का आंसर सुना होगा और आप लोगों को भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि ये सारा फॉल्ट किसका है, ये सारा फॉल्ट हमारी गवर्नमेंट का है। बच्चे कहाँ क्रिकेट खेलेंगे अगर स्ट्रीट में नहीं खेलेंगे तो? तो नाजरीन, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चों के लिए ग्राउंड बनाए। आंटी कोई कोल्ड ड्रिंक मंगवा ले, जूस मंगवा ले, इतनी मेहनत से आयो मैं छोड़ के। यार असद साहब, इस बच्चे के लिए कुछ लेकर आए खाने के लिए, कोई चाय बिस्किट ले आए, बच्चा बेचारा सुबह से बाहर निकला है, उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ, कुछ लेकर आए इसके लिए। मंगवा रहे हैं बेटा, मंगवा। अच्छा जी, तो बेटा आपका उन आंटीज के लिए क्या ख्याल है जो आपकी बॉल रख लेती हैं, जब उनके घर में आपके बॉल जाती है तो क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? सबसे पहली बात, वो तो हमें जहर लगती है, वो तो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और हम जब स्पोर्ट्स खेलते हैं हमें कम से हमारी बॉल तो वापस करते हैं, हम सब मिलके हम अपने पैसे जमा करते हैं, फिर बॉल खरीदते हैं, बैट खरीदते हैं, विकेट खरीदते हैं, फिर जाके हम क्रिकेट खेलते हैं। बेटा मेरा आपसे पर्सनली एक सवाल है, इतने प्यारे क्यों हैं आप? बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, क्यूट से बच्चे, लेकिन हरकतें आपकी थोड़ी शरारती हैं। मैं तो बचपन से ही प्यारा हूँ, आज थोड़ा कम मेकअप कर लें, आप स्टूडियो में बैठ के 30 घंटे तक मेरे को वेट करवा दिया आपने। कैमरामैन ये सीन कट कर देना, ऑन एयर नहीं होना चाहिए सीन, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। एक मिनट, वासिफ साहब की कॉल आई है। जी वासिफ साहब, वासिफ साहब जल्दी जल्दी बस इंटरव्यू को खत्म करते हैं, वैसे ही 5 रुपए देकर बिठाया इस बच्चे को यहाँ पे, वो ये ना हो कि इसकी डिमांड बढ़ जाए। सदका देना, 1000 रुपए साइड में पड़े हैं, वो उठा के लेके जाऊंगा, मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी, बैट खरीदना, बॉल खरीदना। तो चलिए जी नाजरीन, प्रोग्राम का एंड करते हैं, ये ना हो कि बच्चा मुझसे पहले घर पहुंच जाए और मेरे घर का शीशा भी तोड़ दे। वैसे भी ये बच्चा बहुत ज्यादा मसरूफ है, इसको मैच खेलने के लिए जाना है। तो चलिए जी, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मैं इजाजत चाहती हूँ, अपना सब बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।